देवास में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निगम के प्रयास लगातार जारी है। शहर को लगातार सैनिटाइज करने का क्रम भी जारी है। सैनिटाइजेशन में ब्लोअर मशीन, बड़ी फायर, छोटे फायर, ट्रैक्टर मशीन का उपयोग किया गया है। देवास निगम आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि शहर में सैनिटाइजेशन पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र से बुलाई मिस्ट सैंपलिंगकर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइजेशन में ब्लोअर मशीन, बड़ी फायर, छोटी फायर, ट्रैक्टर मशीन का उपयोग भी किया गया है। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे, अपर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान तथा नगर निगम की टीम अपनी नजर शहर एवं यहां की समस्याओं पर बनाए हुए हैं। देवास के सायाजी द्वार से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू हुआ, जो जनता बैंक होते हुए नाहर दरवाजा, रेवा बाग, वारसी नगर, बड़ा बाजार, राजवाड़ा, माली मोहल्ला, मदन डेयरी, मीरा बावड़ी, चिमनाबाई होते हुए एमजी हॉस्पिटल आदि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया गया। अभी जैसे चूंकि ये शुरुआत थी, इसलिए सभी मशीनें एक साथ हम लोगों ने शुरू करी है। अब आगे नाहर दरवाजे के बाद में ये सब अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी अपने अपने एरिया में, और ये लगातार चलेगा। तो किन किन तरह की मशीन और कितनी मशीनें? देखिए, 6 मशीनें तो बाहर से महाराष्ट्र नासिक से आई हैं, और बाकी जो नगर निगम का रेगुलर सिस्टम चल रहा था उसकी 4-5 गाड़ी हैं। ऐसे 10-12 मशीनें ये लगी हुई हैं, जो पूरा काम महाराष्ट्र वाली जो मशीन आई, क्या नाम है यार इसको? हम लोग बोलते हैं मिस्ट स्प्रिंकलर बोलते हैं, स्प्रिंकलर है ना, तो ये बेसिकली मिस्ट तरीके से जो है पानी को फेंकता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो भी मिलाया है। आप लोगों को भी हो सकता है किसी लोगों को आँख में थोड़ी बहुत जलन हुई हो, लेकिन वो थोड़ी सी देर के लिए है, बाकी वो ठीक हो जाएगा। ये जो सैनिटाइज जो किया है उसका असर कितना मिलता है? और सैनिटाइजेशन का अगर एक बार यहाँ सैनिटाइजेशन हो गया है तो मतलब ये समझ लीजिए 2-3 दिन बाद फिर करना पड़ेगा। सर, इस चीज़ को मानते हैं आप, रेड जोन में आने के बाद निगम सक्रिय हुआ है?